उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव प्रचार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी पार्टी के स्टार प्रचारक देवभूमि में चुनावी हुंकार भरने में जुट गए हैं। इसी चुनावी शंखनाद के बीच आज हम आपको सूबे की सियासत में टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दो ऐसी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में बताएंगे जहां भाजपा व कांग्रेस एक दूसरे के दुर्ग को नहीं भेद पाए हैं। दोनों राजनीतिक दलों ने इन क्षेत्रों में अपने अपने दिग्गज मैदान में भी उतारे, लेकिन हश्र वही हुआ जो होता हुआ आ रहा है। टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत यूं तो 3 जिले की 14 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन इन 14 विधानसभा क्षेत्रों में 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी हैं जहां भाजपा और कांग्रेस अपने अपने गढ़ में किसी दूसरी पार्टी को सेंध नहीं लगाने देती है। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र देहरादून जिले के अंतर्गत आती हैं, जिनमें पहली चक्राता तो दूसरी देहरादून कैंट विधानसभा है। चक्राता सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, तो वहीं देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा का दबदबा कायम है। खास बात यह है कि चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, ये दुर्ग अभेद रहे हैं। चक्राता से भाजपा और देहरादून कैंट से कांग्रेस ने हर चुनाव में दिग्गजों पर दांव लगाया, लेकिन एक दूसरे के दुर्ग में सेंध लगाने में कामयाब नहीं रहे। टिहरी सीट में चक्राता और कैंट विधानसभा सबसे हॉट सीट मानी जाती है। कैंट विधानसभा सीट पर भाजपा और चक्राता सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। कैंट सीट पर 33 साल से कांग्रेस के लिए जीत एक सपना है। कांग्रेस ने तमाम बड़े नेता मैदान में उतारे, लेकिन कोई भी हरबंश कपूर को नहीं हरा पाया। 1985 में कपूर पहला चुनाव हार गए थे, लेकिन 1989 के बाद से 2017 तक कपूर ने 8 बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। हरवंश कपूर के निधन के बाद 2022 के चुनाव में उनकी पत्नी सविता कपूर को भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा और जीत हासिल की। अब अगर बात चक्राता विधानसभा सीट की करें तो इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। राज्य गठन के बाद 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के प्रीतम सिंह विधायक बने। 2002 से अब तक लगातार प्रीतम सिंह ही यहां के विधायक हैं। प्रीतम सिंह ने 2007, 2012, 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव में भी अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को चुनावी रणभूमि में पटकनी दी। कांग्रेस का ये मजबूत किला भाजपा कभी भेद नहीं पाई। बहरहाल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को पहले चरण में होने हैं। ऐसे में इस बार देखना होगा कि क्या भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के दुर्ग में सेंध लगा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।